तो आप लोग का स्वागत है एग्ज़ाम प्रिपरेशन के नए वीडियो में। चलिए आज के नए वीडियो में आप लोग को अपडेट करेंगे बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट के तरफ से ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जो भी नियोजित शिक्षक एवं शिक्षिका जो है बीपीएससी से सेलेक्टेड है उन लोगों का ट्रांसफ़र और पोस्टिंग कब होगी और जो क्षमता परीक्षा पास किए हुए वन और टू उनके लिए भी आप लोग को अपडेट है। आप लोग का पोस्टिंग कितने कितने साल पर आप लोग का ट्रांसफ़र किए जाएंगे उसके जानकारी देंगे और साथ ही साथ आप लोग का जो अभी अपडेट आया है नियमावली बनी है उसके तहत आप लोग का ट्रांसफ़र कब से आवेदन लिया जाएगा ट्रांसफ़र के लिए, तो ये इसके तमाम जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देते हैं विथ प्रूफ। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने से पहले आप लोग बता दें कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बगल में होगा बेल आइकन उस कॉल पर नोटिफिकेशन भी निकाला गया और साथ ही साथ आप लोग का आवेदन कब से लिया जाएगा उसकी पूरी जानकारी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं आप लोगों को मैं क्या क्या बताऊँगा, वो सब जानकारी आप लोग को ऑलरेडी मैंने दे दिया है और कब से आप लोगों को टीचर ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म के लिए लिंक एक्टिवेट। तो देख सकते हैं अब आप लोगों को शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है तो आप लोगों को बड़ा धमाका भी होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए बड़ा फैसला, शिक्षकों की तबादला नीति जारी, पति पत्नी एक ही स्कूल में नहीं होंगे तैनात। और आप लोगों ट्रांसफ़र की बात करें तो हर 5 साल में शिक्षकों का तबादला महिला और दिव्यांगों की प्राथमिकता आप लोगों को सबसे पहले दिया जाएगा, यानी कि महिलाएं जो शिक्षक है उनको सबसे पहले दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि पोर्टल कब जारी किया जाएगा, तो आप लोग इस वाले कॉर्नर में ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को दिया गया है दिसंबर से सॉफ्टवेयर के जरिए होगा शिक्षकों का ट्रांसफ़र, यानी कि ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक एक्टिवेट दिसंबर के महीने में किया, यानी कि आफ्टर 2 मंथ के बाद आप लोगों का तबादला होना शुरू होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बीपीएससी से नियुक्त सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षक और पुराने वेतनमान वाले शिक्षक ही आएंगे दायरे में, इन्हीं लोगों का ट्रांसफ़र किया जाएगा दिसंबर के महीने में। गंभीर बीमारी से ग्रसित और दिव्यांग शिक्षकों को मिलेगा विशेष लाभ, पुरुष को जिले के अंदर ही ट्रांसफ़र दिए जाएंगे। स्थानीय निकायों से नियुक्त शिक्षक इस नीति के लाभ नहीं ले पाएंगे, तबादले के लिए 10 ऑप्शन दिए जाएंगे। कितने ऑप्शन दिए जाएंगे ट्रांसफ़र के लिए, 10 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग पुरुषों को उनके अनुमंडल में नहीं होगा तबादला, यानी कि जो पुरुष है उनका अनुमंडल बोले तो आप लोग जो अगर पालीगंज से होंगे तो उनको तबादला आपके अनुमंडल में नहीं दिया जाएगा। वही आप लोगों की पत्नी रहेगी तो आप लोगों का ट्रांसफ़र उस अनुमंडल और उस जिला में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं विवादित शिक्षकों का अंतर जिला होगा ट्रांसफ़र, जो विवादित शिक्षक है जिन पर आए दिन हमेशा ब्लेम लगता है उनको अंतर जिला ट्रांसफ़र के लिए अंतर जिला उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो यही बड़ी अपडेट थी, अब आप लोगों का जो लिंक एक्टिवेट दिसंबर के महीने में होगा। तो चलिए आप लोगों से मिलेंगे ऐसे अपडेट के साथ। नेक्स्ट जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।